और खौसान बोलते हैं, खौसान खौसान इसको खौसान बोलते हैं, मतलब 6 बजे के बाद से यहाँ सब कुछ खौसान खौसान हो जाता है, खौसान हो जाता है बिल्कुल। वहाँ पर मतलब हर देश विदेशी मतलब आते हैं देखने सुनने नाचने गाने पीने और पीने मौज करने, वहाँ पर मतलब हर चीजें करीब करीब मिलती है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। बंसी विष्णु एक बार फिर से थाईलैंड के बैंकॉक सिटी से आपका स्वागत है और मैं हूँ थाईलैंड की स्ट्रीट पे और अभी मैं जा रहा हूँ आपको थाईलैंड में इंडिया वालों की बाजार दिखाने के लिए। भाई साहब आपको विश्वास नहीं होगा कि आपको इंडिया ही लगेगा, ऐसी मार्केट है, सब इंडिया के लोग आपको मिल जाएंगे, इसमें यूपी के हैं पंजाब के हैं ये सब लोग हैं। तो चलते हैं हम इंडिया की बाजार दिखाने। फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ, अब ये क्या है मुझे लगता है कि स्कूल है, बहुत पुराने ज़माने की और कितनी बड़ी है भाई साहब, उस कॉर्नर से देख लो और यहाँ से होते हुए पूरा वहाँ तक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये है यहाँ की बस, जैसे कोई केरला में मैं बस देखी थी वैसी बस है, सेम कॉपी है। तो ये जो बाज़ार देख रहे हैं भाई साहब, ये आगे चल करके इंडिया की झलक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी देख लो भुजिया लिखा आ गया ना, खट्टा मीठा, ये सब इंडियन सामान ही है शायद, ये इंडिया वालों की दुकान है। हाँ शिव जी का फोटो वगैरह है। तो इंडिया की झलक शुरू हो गई, इंडिया वालों की बाज़ार शुरू हो गई है और आपको लगेगा ही नहीं यार यहाँ पे इंडिया है या कोई और है ये, लेकिन ये थाईलैंड है बैंकॉक। अभी तो शुरू हुआ, अभी आगे चल के देखना आपको मज़ा आएगा, इंडिया के लोग भी मिलेंगे बेचने वाले सब। जय माता जी, जय सियाराम, श्रीलंका ओम। ये देखो ये सब भगवान की मूर्ति इंडिया वालों की। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे शिव जी का और ये सब मूर्तियाँ मिल रही है, तो थाईलैंड में सब हिंदू लोग हैं, हिंदू नहीं है थाईलैंड में ज़्यादातर 96, ये देखो ये पीछे बैठे हैं मोहतरमा हिंदी में बात करें, थाईलैंड में लगभग 95% लोग बुद्धिस्ट है। पहले हिंदुओं का राज हुआ करता था लेकिन अब नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे सब जो हिंदू देवी देवता है ना उनकी पूजा पाठ करते हैं, ऐसा वैसा है। तो कर्टन है ये भाई साहब, दादाजी आप इंडियन ही हैं लग रहे हैं। ओके ओके, बस ऐसे ही आए थे देखते हुए मार्केट। और कहाँ से? हम इंडिया से हैं, राजस्थान से। ओके, कल इधर घूमने आए हैं। अच्छा, तो आज हमने सोचा कि इंडिया वाली मार्केट दिखाएं। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट बैंकॉक में जी। ये अपने पुराना एरिया ही जो जहाँ पर है, हमारे जितने सिक्को भाइयों की है। अच्छा, हाँ बहुत बड़े बिजनेसमैन यहाँ के, ये लोग कपड़े के माहिर थे। अच्छा, आज कोरोना के चक्कर से कुछ परिस्थिति बहुत डमाडोल हो गई है जी। और क्या कहते हैं यहाँ का कारोबार और आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत गड़बड़ चल रही है आजकल के समय में। तो रही बात, अब जा कर के इनको कोविड का कुछ चक्कर पड़ा है कि ये हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को खोला जाए, एयरपोर्ट है आने दिया जाए, जाना दिया जाए, उठना बैठना दिया जाए, खाने पीने घूमने दिया जाए। सही है सही है सही है। एशिया में इस समय हमारे हिंदुस्तान के नंबर एक पर इनका नाम गांव चल रहा है इनके मुंह जबान पर। अच्छा, दूसरे देशों के बजाय हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को बुलाया जाए थाई सरकार का ये मतलब लोगों का इस समय, और उनसे जो कुछ है क्या फायदा है क्या लेना देना है वो खर्चा भी कर रहे हैं, घूम टहल रहे हैं। हाँ सही है सही है, पैसा पॉकेट से निकाल रहे हैं, यहाँ पे आके इसकी इकोनॉमी को ग्रोथ करते हैं। तो यही बात है। अब मैं थोड़ा सा इतिहास जानूंगा कि ये इंडियन लोग इधर कब आए, ये एरिया पूरा इंडियन का दिख रहा है तो कब शुरू हुआ ऐसा कुछ? सच्चाई ऐसा है कि कभी हमारे बाबा आजा पर बाजा ने और हमारे नाना जी ने, पहले लोग अपने गांव से भागे गरीबी से कि चल करके हम चलो चलेंगे, और बर्मा में पहले आए, फिर बर्मा में भी वहाँ जा कर के कुछ झगड़ा पंगा हुआ, किससे हुआ कैसे हुआ क्या हुआ स्टोरी बड़ी लंबी चौड़ी है, जिसमें कुछ भागे तो कनाडा गए, अच्छा, अमेरिका गए, कुछ लंदन चले गए, कुछ यहाँ आ गए, कुछ के कुछ लोग यहाँ आ गए। जो यहाँ आए तो वहाँ से हम लोग हैं, जैसे आज 5वें 6वें जनरेशन में जा रहे हैं। नाना जी थे, माँ थी हमारे, हमारी और हम हैं 3, हमारे बच्चे हैं 4, बच्चे के बच्चे हो गए, नाती हो गया है।
अच्छा, उस इतने पहले आप लोग इधर आ गए थे जी। ओ भाई साहब, देखो यहाँ इंडिया का इतिहास बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है कि अभी आए हैं और 5-10 साल में आके धंधा कर लिया, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ के राजा घराना से भी ताल्लुक बहुत अच्छा रहा, हम लोगों का बहुत प्यार प्रेम करते थे। और जो भी आए यहाँ पर बैंकॉक देश में, इन लोगों ने सबकी इज्जत की, इज्जत की, और सबके लिए इन्होंने अच्छा परमिशन दिया, सबको रहने खाने पीने सोने बैठने का। सही है, सही है, सही है। बीच में हमारे लोग हम लोगों से कुछ नफरतें पैदा करने लगे। अच्छा। उसको पकड़वाओ, उसको पुलिस बुलाओ, उसको अंदर कराओ, इसको वैसे क्यों, कैसे कमा खा रहा है, हाँ हाँ, बाहर के लोग इधर क्यों आ गए, हाँ कैसे आ गए, कुछ मतलब चला। वो भी हमारे यूपी लोगों में ज्यादा ये सब यूपी यूपी हाँ। पाई गई, बहुत बड़ी गलती, बल्कि और लोगों में नहीं। सही है, जैसे देखिए हमारे पंजाब से लोग आए हैं, अपने खाने पीने में सब मस्त है, सब मस्त है। सब लोग अपने अपने बिजनेस कारोबार में मस्त है, अपने अपने कारोबार में भी मस्त है, हम लोग भी है, अच्छा है, थोड़ा है, ज्यादा है, लेकिन अपने मेहनत का ही भरोसा भरोसा का। हाँ, इधर हम यही बात कर रहे हैं, इधर के लोगों पे मतलब कि वो दौड़ा दौड़ी भागम भाग वाला समय नहीं है यहाँ पे, शांति से अपना व्यापार करते हैं, जितना हो गया ठीक है, बस बस बस, उसी में खुश है, उसी में सब लोग हैं। आजकल बच्चे नौजुवक अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छे अच्छे पढ़ाई करके लग रहे हैं, तो वकील भी हो गए हैं, ऑफिसर भी हो गए हैं कितने बच्चे, हाँ सही है सही है, इंजन के भी बच्चे यहाँ पर अच्छे अच्छे अच्छी पोस्ट पे हैं, जज तक हो गए हैं, वकील तक हुए हैं। हाँ, तो आपको मैं एक सवाल बीच में पूछूंगा, आपका नाम नहीं पूछा, इतनी सारी बात हो रही है, आपका नाम क्या है? मैं कि अशोक सिंह। अशोक सिंह जी, अपने यूपी गोरखपुर, गोरखपुर से, अच्छा, नेपाल की बॉर्डर के पास जो है। कल भी मतलब किसी से मुलाकात हुई, वो भी गोरखपुर से, नेपाल से भैरहवा जो हम लोग कहते हैं, पार हो करके हम लोग गोरखपुर आते हैं। ओके। अपने जिला गोरखपुर में जी जी, और हमारे गोरखपुर के करीब करीब यहाँ पर समझ लीजिए कि 75% है, 75% लोग है यहाँ पे, और इंडियन वालों की यहाँ टोटल कितनी आबादी होगी? और 25% में हमारे सरदार पंजाबी लोग, यूपी सिंधी मारवाड़ी गुजराती, अब करीब करीब। अच्छा जी, अच्छा, और टोटल इंडियन लोगों की आबादी कितनी हो सकती है अंदाज के मुताबिक? आज तो कई लाखों में, लाखों में, अभी तो हमें 6 लाख शायद होंगे, 6 लाख, 6 लाख इधर बैंकॉक में यहाँ रहते हैं। और तो भाई साहब हमारे साथ धीरे धीरे रेजिडेंस वाले हम जानते हैं करीब तब भी, हाँ 2-2.5 लाख से नीचे नहीं, 2-2.5 लाख से मतलब काफी बड़ा यार, एक जिला कह सकते हैं, बड़ी बड़ी हो गई है। भाई साहब हम खड़े हैं तो काफी सारे भाई साहब है यहाँ पे साथ में जी, और ये भाई साहब अभी आए हैं, ये आप भी इधर ही रहते हैं जी। तो सर आपका जन्म इधर ही है? हमारे आनंद यादव जी है जी जी, ये हमारे, ये हमारे यूपी गोरखपुर के रहने वाले हैं जी जी, और ये हमारे बर्मा के रहने वाले हैं। अच्छा, हमारे बर्मा से जितने लोग आए हैं यहाँ पर, जितनी अच्छी अच्छी जगहों में जितनी नौकरी लोग कर रहे हैं वाले, सब बर्मा के लोग हैं। अच्छा, तो इनको हिंदी आती है? हिंदी जात, इनकी भी खून खानदान हमारे नेपाल से ही है। अच्छा, जो नेपाल से आकर के बर्मा में बसे, अब बर्मा से आकर के ये बॉर्डर है, जैसे हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर है, उसी तरह से यहाँ भी है। सही सुबह है। आते शाम को चल जाते हैं, या शाम को आते हैं तो सुबह भी। तो बीच में एक सवाल कि अभी वो बर्मा में कुछ लफड़ा चल रहा है, अभी जा सकते हैं? अभी बेचारी ये लोग चोरी चोरी से जा रहे हैं। हाँ सही है, सही है, सही है, वहाँ की परिस्थिति बहुत भी डबाडोल सुनाई दे रही है। हाँ इसीलिए, इसीलिए। और अब मैं आपका बीच में थोड़ा सा रोकूंगा, ये सब सामान आप यहीं से लाते हैं या इंडिया से खरीदते हैं? ये सब हमारे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, इंपोर्ट करते हो आप? हम नहीं, हमारे कुछ हमारे बॉस, हाँ जो जो लोग हैं मतलब बिजनेसमैन हैं, वो खरीदते हैं, फिर आपको 8-10 कंपनियां आ गई है। अच्छा, राजधानी आ गई है, हुकमचंद आ गया है, तीसरा अल्पाइन कंपनी है, चौथा आशियन कंपनी है जी जी, पांचवा सज्जन कंपनी है। अच्छा, फिर छठवां, इसी तरह से करीब 7-8 कंपनियां हो गई। तो हम चलते हैं दादाजी के अंकल की दुकान के अंदर, थोड़ा दिखा देते हैं आपको, और ये देखो प्योर इंडियन जैसा ही लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चल के आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ प्याज है, आलू है, अदरक है, सब सामान है। गणेश जी भी हमारे, हाँ गणेश जी से शुरुआत करी है। ये लोग मूर्ति है, हिंदू वाले लोग खरीदते हैं अपने सब ये यहाँ पर। जात धर्म में हमारे मुस्लिम भाई नहीं आते हैं, जैसे कि उनको तो नई मूर्ति की जरूरत होती है, नहीं तो करीब करीब सभी लोग खरीदते हैं बुद्धिस्ट यहाँ। चलो अब थोड़ा सा आपकी दुकान में टूर करा देते हैं। देखो इधर सब सामान खाने पीने का सब इंडियन है पूरा। देखो ये माता जी की चुंदड़ी, मटके,
दादाजी आओ जी। ये घी है क्या? ये देखिए अमूल घी है, अनी घी है, सब अपने हिंदुस्तान के एजेंसियां हैं। ये न्यूट्रला आपका सोयाबीन है, पानी पूरी है। अच्छा। हिंदुस्तान से ये सब जितनी अगरबत्तियां देख रहे हैं, गुलाब है, रोज है, जस्मिन है, मोगरा है, चंपा है, देखिए ये सब। और ये धनिया दाल सब कुछ, चना दाल मसाले आटे बेसन। अच्छा। और ये जो इंडियन आइटम है जो व्रत में हम लोग चलाते हैं, व्रत वाले में जो कुट्टू आटा होता है वो भी है, सिंघाड़ा आटा होता है। ओके। ये देखो ये बहुत सारी यहाँ पे मूर्तियां हैं। हाँ। ये सब आप वहाँ से ले आए सुरक्षित, इनको टूटा ये भी सब? हाँ, कंटेनर से आते हैं। लक्ष्मी जी, गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता जी, जी जी सब यहाँ पर सब आरतियों के सब सामान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे लोटा है, गिलास है, पूजा पाठ का सारे सामान। जी जी। अपना ये है कैलेंडर में, ये देखिए पोस्टर है। अच्छा, भगवान के पोस्टर है, देवी देवता के। ये करीब 7 लाख से ऊपर का। अच्छा। हाँ, ये और सब खाली इंडिया के बाजार से तो यहाँ थोड़ा महंगा होगा। हाँ, जैसे अपने यहाँ का 1200 का है। हाँ। तो यहाँ भी 2000 में मिल जाएगा। क्यों? कि यहाँ का किराया ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ के लेबर चार्ज वगैरह सब। हाँ, काफी यहाँ पर समझ लीजिए 9000-10000 बाट के नीचे तो कोई लेबर नहीं मिलेगा। ओ, 10000 मतलब 25000 के आसपास। हाँ, पहुँच इंडिया। और इंडिया में लगभग 10000 में तो आदमी काम पे मिल जाते हैं। आज भी अभी अपने यहाँ बहुत गनीमत है, सस्ता है, अभी बहुत कुछ सस्ता चल रहा है। फिर भी लोगों का लगता है महंगा है। हाँ, महंगा है, महंगाई है। इतना छोटा देश है लेकिन देखिए यहाँ पर लोग समय से बिजली पानी बिल लेना देना सब, उसके साथ देखिए वेट भी कटता है 7%। खुशी राजी मंदी से दुनिया दे रही है, देखो। इन सब चीजों के लिए इंडिया महंगा ही है भाई, इंडिया में बहुत सस्ता है, सब कुछ सही है। एक गरीब से गरीब घर में अगर आप जा करके देखेंगे यहाँ पर लकड़ी की मकाने होंगी। हाँ। मगर क्या शौक है उनके अंदर, क्या सफाई है उनके अंदर, गजब। हाँ। क्या फिनिशिंग है उनके अंदर, वो बात देखना। और क्या पहनाव है, हल्का है, चाहे गरीब हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, छोटा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका क्या रंग रूप, रहन सहन। हाँ। और उसका जो स्टाइल है वो क्या स्टाइल, नेक्स्ट लेवल का। ऐसा नहीं है गरीब है तो अमेरिका को, पेरिस को भी ये झूठ बना देते हैं, इनके घरों के अंदर आप जाइए, इनकी स्टाइल है, इनका पहनाव, इनका सजावट, खाना, इनका मतलब क्या, इनके खून में आ गया है, सही है कि हमको इस तरह से सफाई रखना है, ऐसे चलना है, ऐसे रहना है, तब मेरी ही जिंदगी यहाँ पर सफल है। सही है, सही है। यहाँ पे ये सबसे पहले काम यही होता है भाई साहब, होना चाहिए। ये हमारे देश में भी इस चीज को थोड़ा सा फॉलो। क्या है आप लोगों के लिए, मैं खातिर करूं, चाय मंगाऊं? अरे दादाजी, आप हमारे को इतना टाइम दिया, इससे ज्यादा खातिरदारी क्या हो सकती है? अरे हम इंडियन हैं, लेकिन हम आपसे मिलके बहुत खुश हैं कि भाई साहब यहाँ आके भी इंडिया जैसा फील हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। एक बहुत हो गया दादाजी, एक बहुत हो गया। पानी पीते हैं, थोड़ी देर बैठे। अरे अरे, बनी हुई खीर है, बहुत बढ़िया, आप थोड़ा सा टेस्ट करिए भाई साहब। देखो, आपको कहीं ऐसा पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, इंडियन लोग तो मिल ही जाते हैं, और उनकी जो खातिरदारी और सेवा जो होती है ना, खोलिए भाई साहब जी। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम राज पांडे है। राज पांडे, वाजी वाजी, पांडे जी, फिर मिश्रा जी, फिर शर्मा जी। थोड़ा दादाजी, बस इसको क्या बोलते, कौन सी मिठाई है? ये खीर है, मतलब खीर है। हाँ, जिसको अच्छा। हम लोग सेमिया बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम लोग घरों में, थैंक यू दादाजी, यही हम लोगों का परंपरा है, संस्कार है। बहुत सही है, बहुत सही दादाजी। संस्कार को हम भूल जाएंगे तो समझिए अपने जमीर को भूल गए। हमको यही बात अच्छी लगी कि आप यहाँ आके दूसरे देश में भी एक इंडिया को अपनी पहचान बनाए हुए, यही बड़ी बात है। तभी तो हमको पता चला कि भाई साहब यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट है। यहाँ पर अगर किसी से तू मैंने कोई प्रकार की कोई बात हो जाती है, अगर मैं अपने आप को खड़ा हो जाता, ये आवाज दे देता हूँ, भाई माफ करो यार, ये क्या हो रहा है, प्लीज। तो सब स्टॉप हो जाएंगे। अशोक भैया ये बात हुई है, अशोक भैया वो बात हुई है, भाई प्लीज, इससे क्या मिलेगा मेरे भाई? इससे मिलेगा, सही बात है, मैं रखो ये शांति, वही वही तो जीवन है भैया। पानी बता दीजिए, जब पीर
मिला रहे? नहीं नहीं, हाथ धोने के लिए। हाँ जी, चले जाइए अंदर जी। अंदर हल्का सा ठीक है, ठीक है सर। तो अभी हम बातचीत जारी रखे हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बीच में दादाजी ने पानी पिलाया, सेवा की, नाश्ता खिलाया, मतलब मिठाई, और थोड़ी बातचीत और करते हैं। तो और कुछ बताइए दादाजी। और सबसे बड़ी कमी ये आ रही है कि हमारे लोगों में आज जो 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जी जो अपना घर मकान छोड़ करके, अपने माँ बाप भाई को छोड़ करके जी बाहर आ करके अपने गाँव के लिए, अपने उस घर और जमीन के लिए जो इंसान मर रहा है जी, रात दिन एक कर रहा है, अब हमारे में कमी आई है, हम लोगों में ये कमी आ रही है कि जिसके घर में चार भाई हो, पांच भाई हो, एक भाई गांव वाला धीरे से मिल करके कुछ जमीनें हड़प ले रहे हैं, जायदाद हड़प ले रहे हैं गांव की जी जी हाँ। तो ये सब चीजें जो कमी आ रही है, अगर हमारे यहाँ जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं गोरखपुर में जी, बाबा आदित्यनाथ जी जी, अगर ऐसी कृपा हो रही है तो समझ लीजिए आज तो एक बच्चे के अंदर ये दहशत होनी चाहिए जी जी कि भाई हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अब कानून व्यवस्था कितना अच्छा और कितना बढ़िया, कितना सुंदर आने वाला है। सही है, सही है। लेकिन आज तक के जितने पूर्वजों में वो बूढ़े, वो लोग, वो पहले के लोग किस किस तरह से अपने उस जमीर के लिए बनाए और रखे कि हमारा परिवार एक दिन ऊंचा होगा रहेगा, हाँ। नाम रोशन होगा घर का। सही है, हाँ। इन सब चीजों के लिए बहुत बड़ी कमी है। हम यही आप लोगों से सबसे मैं गुजारिश करें, हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले भाई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आज वो जैसे बाहर गया है उसके ऊपर थोड़ा दया दृष्टि रखा जाए। वो कानून व्यवस्था होना चाहिए कि वो इंसान आखिर क्यों भागता है, अपना देश, अपना घर, अपना गांव बाहर छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता है। कौन चाहता है कि अपने माँ बाप भाई को, अपने रिश्तेदार को, अपने उस जमीर को छोड़ करके बाहर जाए। जी जी। तो इन सब चीजों को हम चाहते हैं कि अच्छी भली हाँ, सही, और खुशी राजी मंदिर से इसको देखा जाए। सही, तब था जमाना किसी और का, अब जमाना आ गया किसी और का, जमाने के साथ चलो भाई। तो भाई चलना पड़ेगा। आज देखिए इतना छोटा देश है, राजतंत्र देश है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का यहाँ पर, राष्ट्रपति का जो चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री का, इनके अंदर कुछ कमियाँ आर्थिक स्थिति के अनुसार यहाँ भी डमाडोल हुआ है, लेकिन अब देख रहे हैं अच्छा भला होने वाला है यहाँ और सुंदर हो जाए। सही बात है, बिल्कुल। हम भी यही दुआ करते हैं कि बस आप जहाँ भी रहो खुश रहो, इंडिया भी अच्छा रहे, इंडिया के लोग अच्छे रहे, सब व्यवस्था बनी रहे, तो भी उसमें मजा आएगा। तो ये भाई साहब यहाँ के इंडिया, मतलब थाईलैंड में आके इंडिया की फील जो आ रही है, ये इनके दिलों में जो खून है ना, वो इंडिया के लिए धड़कता है, इसीलिए ये सब चीजें हैं, आप देख सकते हैं। खून तो भैया बाप रे बाप, क्या है क्या नहीं है मत पूछो, जाने के बाद अब आने का दिल नहीं कर रहा मेरे भाई, लेकिन मेरा जो कुछ हुआ है आज इसी देश से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपकी कर्म भूमि ये हो गई है, कर्म भूमि जी, तो हम इसको कैसे भूले। रही बात, बच्चे भी अब यहीं पढ़ने लिखने लगे, पोस्ट पर हो गए हैं, अच्छे अच्छे जगहों पर एडजस्ट हो गए हैं। अब बात तो ये सब चीजों को अब हम सब लोग ध्यान में रखें कि बहुत अच्छी होगी, बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर होना चाहिए जी जी। आज सच में हो सकता है आज हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, अब ज्यादा दिन नहीं है जो होगी, ये हम भी सब प्रार्थना करते हैं। अब सर बात करिए, आपका फोन आ गया है। तो जी, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे आकर के लोग इंडिया को जीते हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अभी बहुत सारी दुकानें हैं यार, एक दुकान में आए भाई साहब से मिले, इन्होंने हमें पूरी स्टोरी बताई, इतिहास बताया, वहाँ के इंडिया के बारे में बताया, तो कितना ज़बरदस्त है। अभी और भी चलेंगे आपको यहाँ पे, पूजा पाठ के भी काफ़ी सारे सामान, बाजार यहाँ के, अब इनकी पीढ़ियाँ हो गई है, 4-5-6 पीढ़ियाँ, तो इनके बच्चे अभी बहुत बड़ी बड़ी जो है पद पे हैं, सरकार में हैं, सब जगह पे हैं, तो मज़ा आ गया। ठीक है सर, ये कैंसर हो रहा है आज के समय में, इसका इस्तेमाल आप लोग न करें तो बहुत ही अच्छा है जी। धूम्रपान
करना अनिवार्य नहीं है बल्कि पाप है। पाप है। ठीक है सर, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और आपने जो मेहमान गति की इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आप भी जब आओ इस इंडियन मार्केट में जरूर आए, यहाँ पे बहुत। राजस्थान से? जी जी, मैं राजस्थान से हूँ। ये हमारे साथ भाई साहब है वो हरियाणा से हैं। अच्छा जी। तो हम दोनों ही आए थे, कल ही आए थे और आज सबसे पहले हमने यही सोचा कि हम इंडिया की मार्केट को देखने जाते हैं। ओके, बस यही इरादा था। फिर उसके बाद लोग आते हैं थाईलैंड के बारे में एक दो चीज़ें ही जानते हैं बस, उनको पता क्या है थाईलैंड की नाइट लाइफ या पटाया की नाइट लाइफ, इससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। ये तो हमने हमने एक सेकंड हमने यही सोचा कि हम जाके थाईलैंड को दूसरी नज़र से दिखाएंगे, ये बात है। नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए कोई ऐसा देशवासी नहीं है जी जो थाईलैंड से आके बिजनेस न करते हो। जी 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 हाँ, एक समझ लीजिए हम तो जानते हैं वर्ल्ड का ये टापू है। जी जी हाँ, और यहाँ से आज इनकी थोड़ी परिस्थिति डमाडोल है, नहीं तो खाने पीने पहनने हर चीज में नंबर वन है। यहाँ पर एक नंबर का होता था। सही है सही है सही है। देखिए साग सब्जियों की मार्केटिंग इनकी, हाँ हर चीज एक नंबर है। और फल फूल की, जबकि फल फूल इनके की यहाँ कुछ कम पाए जाते हैं और बाहरों से ज्यादा है। आज तो अपने कश्मीर के एप्पल भी आना चालू हो गया, अनार आने चालू हो गए, और क्या क्या है हर चीज मतलब छुहाड़ा है, और क्या 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 बोलते हैं सऊदी अरबियन वाली जो छुहाड़ा होता है, हाँ ये सब मतलब एक एक अनेक प्रकार की चीजें अब यहाँ मिलने, क्यों यहाँ खाने वाले अब ज्यादा हो गए। और कोई ऐसा देश नहीं है, चाहे यूरोप हो, एशिया में या कंट्री में लोग हो, अब तो यही कह रहे हैं हम चल के थाईलैंड में ही बसेंगे। क्या नहीं, बहुत खूबसूरत है, ऐसा नहीं है, खूबसूरत है। देखो अच्छा, मैं आपको एक बात और मैंने नोटिस की, खाने पीने की चीजें जो है यहाँ पर 24 घंटा अवेलेबल आपको मिलेगा। सही है सही है सही है। अपने यहाँ तो कहीं कुछ समय ऐसा है कि पैसा होते भी दिल कर रहा खाने को तो पता चला यहाँ से 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ये हालत है। और सबसे बड़ी बात कि जब कानून व्यवस्था आ गया, शहर की सफाई हो रही है, रास्ता पहले अच्छा हो रहा है। सही बात। और रास्ता नहीं है, अगर बिजली नहीं है, उजाला नहीं है, तो सब अंधेरा ही, कोई अंधेरा ही अंधेरा है। तो उस तरह से व्यवस्था अब होने वाला है अपने हिंदुस्तान में, देख रहे हैं अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है मतलब कुछ लोग। अरे सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ देखिए, हम दिल्ली क्या अपने गोरखपुर से और गुजरात तक गए हैं जी, जिस तरह से सड़कें बन रही हैं, हाँ ये एक नंबर, जिस तरह से रोडें तैयार हो रही हैं, रेल हो गई, ट्रेनें जिस तरह से सफाई, स्टेशन जिस तरह से सफाइयाँ, क्या बहुत कुछ बदल क्या गया रहने का पिछले 10-15 साल में, मतलब बहुत बदल गया है इधर। हाँ बदलाव हो भी रहा है, 10 साल के अंदर से जो बदलाव आई है ये सबसे अच्छी बात। हम लोग गंगा स्नान में गए, क्या बाथरूम व्यवस्था था, क्या वहाँ की सफाई थी। और कुछ साल पहले, अरे साहब मत कहिए, कुछ साल पहले क्या आज भी ये गंदगी कुछ गांव में हम लोगों के वहाँ बहुत जोरों से है। जैसे कि हमारे अमिताभ चाचा जी ने ये दिखाया था कि भाई लोटा लेके कहाँ भाग रहे हो, तो क्या कि मैं झाड़ में जा रहा हूँ, झाड़ में क्या करने जा रहे हो भाई, तो बाथरूम बनाओ, बाथरूम बनाओ, अपने सेब अपने खुद हाथ में है, सरकार दे रही है पैसा, कहाँ जा रहा है भाई, कौन खा रहा है, इन सब चीजों को एक बारीकी से लिया जाए। सही है सही है। जितनी क्या कहते हैं वो गैर कानूनी कार्रवाई जितनी हो रही है, ये सब चीजों को बंद कराया जाए, ताकि दुनिया संसार हंसी खुशी जियो, खाओ मौज करो। सुबह और... होता है तो शाम भी होना है साहब। सही है। मैं सही तो है। ये जानता हूँ सुबह होता है तो पहले प्रभु का नाम लिया जाता जी है जी। उसके बाद तब अपनी पूरी जिंदगी को संवारते हैं। कौन हमारा संवारने वाला, वही है ऊपर वाला, भगवान ही है। सही है। तो हर काम हम उन्हीं से, श्री गणेश आय से ही शुरू करते हैं और उन्हीं पर ले जाके खत्म करते हैं। मैं यही आप लोगों से गुजारिश, थैंक यू थैंक यू, समझा जाए, आपकी जो बहुत ही अच्छी अच्छी बात थी सब लोगों को समझ में आएगी वहाँ पे, और लोग देखेंगे इस बात पे गौर भी करेंगे कि भाई किस तरह से आप भी एक ऐसा काम कर सकते हैं कि अपना देश अच्छा बन सके, यही बात है। ठीक है ठीक है दादाजी, तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपने हमको इंडिया की याद दिलाई, और हम चलेंगे और भी दूसरे जितनी भी मार्केट है पूरा घूम के आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे जैसे आप दुकान है तो आपको कुछ टैक्स वगैरह सरकार को देना होगा। हरी राम हरी राम। यहाँ पर हमारे ये देखिए मेरे टैक्स की कागज है। अच्छा,
सालाना देना पड़ता है या मंथली ऐसा? सालाना। ये हमारे बिजनेस तौर तरीके के साथ साथ हमारे इस समय 4 मकाने हैं। अच्छा, ये दुकान आपकी है, खुद की? नहीं, खुद की नहीं, मैं किराए पे हूँ। 28-30 साल से। हाँ, किराए पे मैं चल रहा हूँ। ओके, किराए पे ही बच्चे पढ़ लिख लिए, अपने अपने जॉब काम पे कर रहे हैं। हाँ, सही है। हमारा घर आप इधर ही रहते हैं? यहीं पर सीजेक बानखेक बोलते हैं। ओके, यहाँ अपना मकान। और हाँ, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपका बिजनेस है, कारोबार है, तो मैं रेटे नहीं करना पड़ रहा। तुरंत कागज लेके जाओ, बैंक में डालो, तुरंत फाइनेंस होता है। अच्छा, और अपने अपने बिजनेस और अपने अपने कारोबार में करो। और थोड़ा सा मैं थाई भाषा के बारे में समझने की कोशिश करूंगा कि यहाँ आपको धन्यवाद बोलना है तो आपको मेरे को कैसे बोलना है? खप खून खप, खप खून खप, खप खून खप, खप खून खप, धन्यवाद धन्यवाद, खप खून खप, खप खून खप, खप खून। हमारे लोगों में देखिएगा, यहाँ के लोग भी ज्यादा जानकारी हो गई लोगों को, जैसे कि कोई गलत जबान न बोल बैठे, अभी ये से तो कितने लोग समझ गए हैं। अच्छा, हमारे इंडियन मार्केट में रहते रहते अभी मैं कुछ लोगों से बात करूं, वो पीछे मतलब जैसे बोल रहे कुछ हिंदी जैसा लग रहा था कुछ। हाँ, कुछ शब्द समझ गए हैं। हाँ, कि धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद, या खप खुन खप, खप खुन खप। हाँ, अब देखिए हमारे जितने अंग्रेज भाई आते हैं यूरोपियन, तो करीब करीब ये भी भाषा से अवगत हो चुके हैं। कैसे आए, या तो डायरी उठा रहे हैं, डिक्शनरी चल रही है, कुछ ना तुरंत ट्रांसलेट कर ले रहे हैं। जैसे हम समझे बिल्कुल न्यू है, नए हैं, वो जब बोल रहे हैं हिंदी बोल रहे हैं, खपुन खप, जय हिंद धन्यवाद। अच्छी बात है कि हमारी हिंदी भाषा बहुत जगह पे चलने लगी है, करीब पूरे वर्ल्ड में चल रही है, पूरे देश के लोगों, क्योंकि इंडियन लोग हर जगह है। हाँ, हर जगह जाओ इंडियन वाले, पानी बिल्कुल इजी है, पानी चाहिए, पानी पीजिए, पानी लीजिए, तो इन सब चीजों को ये लोग बहुत अच्छे और बड़े शौक से लेते हैं। और जाइए देखे करीब करीब होटलों में भी कि नहीं 70% तो 30-35% तो इन लोगों का खाना रोटी दाल, इंडियन नाम लिखा ही होगा। हाँ, अब यहाँ से जाएंगे तो ये है रोजल होटल, रोजल, इसके आगे जाएंगे तो पंजाब रेस्टोरेंट, उसके आगे जाएंगे तो फिर मामा रेस्टोरेंट, फिर उसके साथ में जाएंगे तो कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ भूटान के लोग हैं जी, कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे। तो इस एरिया को अगर इंडिया वाले लोग इधर आते हैं और ये एरिया में स्पेशली घूमना चाहते हैं तो इसको क्या नाम से पुकारते हैं? इंडियन मार्केट, फौराट मार्केट, फौराट, इंडियन मार्केट से पहले फौराट, फौराट मार्केट बोलोगे तो आपको PHAHURAT फौराट मार्केट है जो पूरा इंडियन। तो इस तरह की दूसरी भी जगह पे हैं कहीं इंडियन? हाँ, वाले हाँ, कहाँ पे? अब यहाँ से आप निकलेंगे तो जाइएगा सिलोम, सिलोम वहाँ पर बड़े बड़े आपके राजस्थानी, गुजराती, अच्छा, और जयपुरिया जो सिर्फ पत्थरों के कारोबारी हैं, अच्छा, डायमंड के। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं सिलोम। ये कितना दूर है? यहाँ से करीब 3-5 किलोमीटर। अच्छा, इसी बैंकॉक सिटी में ही है? यही बैंकॉक सिटी में। ओके ओके, फिर वहाँ से आप निकलेंगे तो सुकुमित एरिया है, सुकुमित, ये थोड़ी सी मतलब आप जो बोल रहे थे पहले, हाँ वो वाली मार्केट, खासोम, खासोम जैसा कुछ, ओ खौसान बोलते हैं, खौसान, खौसान इसको खौसान बोलते हैं, मतलब 6 बजे के बाद से यहाँ सब कुछ खौसान खौसान हो जाता है, खौसान हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पर मतलब हर देश विदेशी मतलब आते हैं देखने सुनने, नाचने गाने पीने और पीने मौज करने, वहाँ पर मतलब हर चीजें करीब करीब मिलती है, मिलती। चलो ठीक है सर, तो फिर से आपका थैंक यू, खपम खपुन खप, खपुन खप, और आभार, धन्यवाद हमको इधर आने का मौका दिया और आपने इतनी सारी जानकारी दी, पानी पिलाया, नाश्ता करवा दिया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। आप तो इनका तो रोटी सब्जी नहीं सर, अभी खाना हम खा के आए हैं। अच्छा, इनका टिफिन आया तो अभी आप खाना खाइए, अभी हम जाते हैं थोड़ा आगे। तो अभी हम यहाँ पे थे रतन एम्पोरियम, ये भाई साहब हैं, इनका नंबर है, अगर कभी यहाँ आ जाओ, कुछ तकलीफ में भी आ जाओ तो सिम हो तो आप उनसे फोन करके भी आप करोगे तो आपको हेल्प कर लेंगे जी, खाना पीना इंडियन सब आपको हेल्प करें। इसी एरिया में ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, खप खाम खप, ओके जी, खप खुन खप, खप खुन खप, थैंक यू।